देखते हैं कि प्रोफेसर मार्शल मैकलुहान ने इस बारे में क्या कहा है। कम्युनिकेशन मीडियम इटसेल्फ, नॉट द मैसेज इट कैरीज, शुड बी द प्राइमरी फोकस ऑफ स्टडी। द कंटेंट ऑफ द मीडियम इज अ मैसेज दैट कैन बी इजीली ग्रैस्प्ड एंड द कैरेक्टर ऑफ द मीडियम इज अनदर मैसेज विच कैन नॉट बी इजीली विच कैन बी इजीली ओवरलुक्ड। सर मार्शल मैकलुहान कहना ये चाह रहे हैं कि जब आपको कोई पैगाम पहुंचाया जाता है तो पैगाम आप समझ लेते हैं, मगर आप उस मीडियम को नहीं समझ पाते जिसके जरिए वो आपको दिया जा रहा है। मिसाल के तौर पर अगर आप रेडियो सुनते हैं तो रेडियो में आपका जो मीडियम है वो एयर वेव्स हैं, जिसमें सिर्फ आपको आवाज़ सुनाई देगी, उसमें आप पिक्टोरियल कोई चीज़ नहीं देख सकते। अगर आप टेलीविज़न देख रहे हैं तो आप देखेंगे कि इस मीडियम में एयर वेव्स में आपको साउंड प्लस पिक्चर मिल रही है, जबकि आप अखबार पढ़ रहे होंगे तो आप देखेंगे कि उसमें आपको प्रिंटेड वर्ड्स हैं जिसको आप जिसके ज़रिए आप पैगाम ले रहे हैं। तो रेडियो, टेलीविज़न और न्यूज़पेपर, इनकी अपनी अपनी लिमिटेशंस हैं। यानी कि अगर आप अखबार के ऊपर कोई मूविंग पिक्चर नहीं देख सकते, इसी तरीके से रेडियो के ऊपर आप कोई चीज़ देख नहीं सकते बल्कि सुन सकते हैं, और टेलीविज़न पे आप देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं मगर किसी चीज़ को छू नहीं सकते। तो हर मीडियम की अपनी अपनी एक लिमिटेशन है जो कि किसी क्रिएटर को मजबूर करती हैं कि उस मीडियम को अडॉप्ट किया जाए। कुछ ऐसे ही टिकटॉक के साथ भी है कि टिकटॉक का फॉर्मेट शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म है, यानी कि ऐसी वीडियोस हैं जो कि 10 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक के टाइम ड्यूरेशन में हो सकती हैं। ये टाइम ड्यूरेशन बहुत कम है किसी भी पैगाम को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, अगर वो कंस्ट्रक्टिव है सोसाइटी के लिए, वो एजुकेशनल है या इंफॉर्मेशनल है।